नमस्कार, ब्लडलेस क्राइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि मासूम बच्चों को गोद लेने के नाम पर उन्हें सहारा देने की आड़ में की जाने वाली घिनौनी साजिश की आपकी आत्मा कांप उठेगी। गौर से देखें कि अपनी हवस की पूर्ति के लिए हिंसा के वेश में छिपे दरिंदे किस हद तक जा सकते हैं। अरे आप आ गए, क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, बातचीत तो हो गई है पर लंबा प्रोसीजर, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जिसके बाद ही हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। पर हम तो एप्लीकेशन में पूरी जानकारी दे चुके हैं, अब क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि उनको ये लगता है कि हम लोग बच्चा गोद लेके उसको पालेंगे नहीं बल्कि खा जाएंगे, इसीलिए इतनी देर लग रही है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं सोचते रमेश। अरे आओ भाई, विनय देख भाई, ऐसी बहुत सारी वजह है जिनके कारण बच्चा इतनी आसानी से गोद नहीं लिया जा सकता है। क्या मतलब? एक तो बच्चा गोद लेने वालों की कतार बहुत लंबी है और दूसरा ये भी देखा जा सकता है कि आप उस बच्चे को अच्छी परवरिश और बेहतर तालीम दे सकते हैं या नहीं। और आप आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं है, आपका रिकॉर्ड, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह। ये सब होते होते साल 6 महीने तो लग ही जाता है, वो भी तब जब आपका नंबर आ जाए। ये तो हद हो गई यार, एक तो आदमी वैसे बहुत परेशान है, ऊपर से इतनी सारी फॉर्मेलिटीज। रिलैक्स यार रमेश, ये तो सिस्टम है, अरे सबको ऐसा ही करना पड़ता है। वैसे एक रास्ता और भी है। वो क्या? अगर किसी रिश्तेदार का बच्चा भी मिल जाए तो आपसी सहमति से ये सब काम भी हो सकता है। तुम्हारी तबीयत तो वैसे भी 19-20 रहती है, तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा और इन सब सरकारी झंझटों से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे इस बाबत भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर रखी है, बस उनके फोन का इंतजार है। हेलो। हेलो रमेश, कैसे हो? और भाभी जी कैसी हैं? सब ठीक हैं, तू सुना? अरे यार, वो पिपरिया वाले जो राधेश्याम जी है ना? हाँ हाँ, वो तो अपने रिश्तेदार हैं, पर मेल मुलाकात कम ही होती है, क्यों क्या हुआ? दरअसल उनकी एक बच्ची है कंचन, करीब 5-6 साल की होगी। अच्छा यार देख, राधे श्याम जी के हालात कुछ अच्छे नहीं है, अगर अपन चाहें तो वहाँ बात बन सकती है। अरे पर राधे श्याम सोचेगा नहीं? आज तक तो पूछा नहीं, कुछ खबर नहीं ली और बच्चे के लिए फौरन चक्कर लगाने लगे। अरे वाह, आपने पहले ही समझ लिया कि राधे श्याम क्या सोचेगा। अरे भाई, सब कुछ आप ही समझ लोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे? मतलब ये कि कल सुबह ही हम राधे श्याम के यहाँ चलते हैं, अपनी बात उनके सामने रखते हैं, भाई फिर जो होगा देखा जाएगा, और मुझे यकीन है कि यहाँ बात बन जाएगी। कोशिश करने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि हर ऐरे गहरे लत्थू फेरे के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है कि मैं संतान पैदा करने के काबिल नहीं हूँ, मुझे कहीं से एक बच्चा ला दो। अरे नाना भैया, आप इतनी जल्दी निगेटिव क्यों हो जाते हो? अरे भाई, राजा दशरथ के यहाँ भी बुढ़ापे में संतान हुई थी, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि। अरे मैंने तुझे अपनी बात क्या बताई, तू तो पूरी रामायण खोल के बैठ गया। कल सुबह मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो चलते हैं राधे श्याम के यहाँ। ठीक है ठीक है, चला फोन रख। क्या हुआ, क्या बोल रहा था विनोद? ताना मार रहा था कि राजा दशरथ को बुढ़ापे में संतान हुई, इसलिए मुझे भी कम से कम बुढ़ापे तक तो सब्र करना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? एक दूर का रिश्तेदार है राधेश्याम, कल सुबह उसके यहाँ जाना है विनोद के साथ, क्या समझी? जी। आपके मौसेरे भाई कहलाए। अरे भाई, हम सब एक ही खानदान के हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इन्हीं के बारे में आपसे बात की थी। अब भाई साहब तो काम में व्यस्त रहे आते हैं और भाभी जी की भी तबीयत कुछ नरम गरम बनी रहती है। हाँ। ऊपर से अकेलापन,
हमारी बच्ची घर में आ जाएगी तो इनका भी मन बहला रहेगा, इनको भी अच्छा लगेगा, और सबसे खास बात बच्ची को अच्छा भविष्य मिलेगा, अच्छी परवरिश मिलेगी, जो कम से कम यहाँ तो मुमकिन नहीं। पर भाई साहब, बच्ची जैसी भी है रहेगी तो हमारी नजरों के सामने। पर भाभी जी, नजरों के सामने तो आपके तब भी रहेगी। भाई देखिए, जब आपका जी चाहे तब पहुँच गए और बच्ची को देख लिया। सबसे खास बात तो ये है कि इसी बहाने पूजा भाभी और रमेश भाई साहब से मुलाकात होती रहेगी। और सीधी सी बात है, एक अच्छा रहन सहन, एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा एजुकेशन आप भी चाहते होंगे कंचन बिटिया के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बेशक ये बेहद जरूरी कि हर एक बच्चे को अच्छी परवरिश, बेहतर तालीम और सुनहरे भविष्य की राह मिले, लेकिन कई बार ऐसे मजबूर माता पिता अपने बच्चों की बेहतरी के लिए अपने घर के चिराग को ऐसी अनजानी हवाओं के हवाले कर देते हैं जिनके रुख का उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। कहने को तो मौसेरे भाई को सौंपा था राधे श्याम ने अपनी बिटिया को, लेकिन रिश्तेदारी के भंवर जाल में उलझकर राधे श्याम ने एक बार भी ये नहीं सोचा। आखिर इस अनजाने शख्स के इरादे क्या हैं जिससे वो आज के पहले मिला ही नहीं।